सुन ले सदा फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पांव थक जाएंगे। क्या हुआ पढ़े ना रुक क्यों गई? आप कब आई? कब से खड़ी सुन रही थी। अच्छा बहुत प्यारी लग रही हैं आप आज आप ही बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह ये कलर भी आज से सूट कर रहा है। अच्छा जी वरना तो हमेशा कहती थी आप ही कलर पहन के आप तो बूढ़ी बूढ़ी लगती है बूढ़ो जैसा कलर है आज कैसे अच्छा लग रहा है आपको। है ना मैं खुद हैरान हूँ आज लेकिन बहुत सूट कर रहा है कलर माशाल्लाह बहुत नूर आया आपके चेहरे पे। बड़ा प्यार आ रहा है बहन से बड़ा प्यार आ रहा है बहन जी आप हमेशा ही प्यार है। क्या हुआ? एक बात को मानोगे जी प्लीज मम्मी के कामों में हाथ बटाने की कोशिश करो प्लीज और हाँ चची से तलखी से ना बात करना बंद करो आप ही की बात मानोगी ना। बहुत मुश्किल काम कह रही हैं आप मुझे बस चले कोशिश कर लूंगी। ये प्यारी सी बहन तुम्हें कोई नात बात आती है या ऐसे ही? मुझे सुनना अच्छा लगता है पढ़ी मैंने सुना था कि तुम्हें आती है नहीं आती एक थोड़ा सा आपके आगे नहीं आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं अगर आप पढ़ेंगी मेरे साथ तो पढ़ूंगी। ठीक चल दुपट्टा आओ वही पढ़े जो अभी पढ़ी थी मैं। ओके फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। भाभी हाँ लड़का बहुत स्मार्ट है और फैमिली भी अच्छी लग रही है मुझे लगता है अच्छे खाते पीते लोग हैं ये। हाँ भाई उनका अपना बिजनेस है और लड़के की माँ भी मुझे सुलझी लग रही है बस दुआ करो उन्हें हमारी आशा पसंद आ जाए। मैं तो हमेशा ही आशा के लिए दुआ करती हूँ मगर मगर क्या मगर ये कि अच्छे खासे मॉडर्न लोग लग रहे थे मुझे उन्हें कहीं आयशा के हिजाब पे एतराज ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी मैं ऑफिस निकल रही हूँ देर हो रही है नाश्ता करके ऑफिस जाना। अम्मी बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा मेरा भी। अच्छा तुम जाके सहन में बैठो मैं चाय और बिस्किट भेज रही हूँ ऐसे खाली पेट बिल्कुल भी नहीं जाना बेटा जाओ सहन में बैठो। बिस्किट नहीं खाऊंगी चाय भिजवा दो। अच्छा बाबा चाय पी लेना देर हो रही है। भाभी आपका फोन बज रहा है। इतनी सुबह सुबह किसकी कॉल आ गई? अशर की माँ की कॉल है। कौन अशर? अरे भाभी वही लोग जो कल आयशा को देखने आए थे। अच्छा ये लो तुम जल्दी आयशा को चाय दे। जी मैं देखती हूँ। सलाम अलैकुम। जी जी जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नासिया जी जी भाभी अरे उन्हें हमारी आयशा पसंद आ गई। सच बहुत मुबारक हो आपको। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। चले इसी खुशी में आज फिर दो ऑमलेट खिलाऊंगी आपको। एहतशाम तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अम्मी मैं आपको पहले भी बता चुका मुझे आयशा में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि आयशा की कहीं और मंगनी जब हो जाएगी ना तो ताया जान और ताई जान जवेरिया के लिए जरूर मान जाएंगे
पता नहीं तुम्हें क्या नजर आता है उस लड़की में। इतनी बदतमीज है जवेरिया, मुझे तो एक आंख नहीं भाती। कभी कभी तो मुझे लगता है जानबूझकर आपने आशा के लिए बात की थी, क्योंकि आप जानती थी कि मैं जवेरिया को पसंद करता हूं। तुम अपनी माँ पे शक कर रहे हो? आप यही चाहती थी ना कि ताईजान और ताईजान छेड़कर जवेरिया के लिए इनकार कर दे, इसलिए आपने जवेरिया के बजाय आयशा का रिश्ता मांगा। एहतिशाम, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपनी माँ पे इल्जाम लगा रहे हो तुम। मुझे बताओ, मैं दुश्मन हूं तुम्हारी? शुक्र, थैंक गॉड। एहतिशाम भाई आप नहीं गए, आपको पता है मेरी वैन निकल गई है, प्लीज मुझे कॉलेज छोड़ दें। छोड़ दे तो प्लीज जल्दी आ जाएगा, पता है बहुत लेट हो गई, मेरी क्लास ही निकल जाएगी। अलैकुम सर। आप जाइए पहले। नहीं सर, आप जाए। आपको ज्यादा जल्दी है, आप चली जाए। ऐसी कोई बात नहीं सर, आप जाए। Are you sure? कहा आपने? नहीं। ये सारी चीजें अशर ने अपनी पसंद से ली है। मैं आपको क्या बताऊं, मेरा अशर बहुत चूजी है, उसे हर चीज ब्रांडेड चाहिए होती है, तो आयशा की भी ये ज्वेलरी, कपड़े, मेकअप सब कुछ उसने ब्रांडेड ही लिया। माशाल्लाह से सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, और ये सेट तो मुझे बहुत कीमती लग रहा है, यकीनन बहुत महंगा होगा। मैंने बताया ना आपको, मेरा अशर बहुत चूजी है। हमने कितनी लड़कियां उसको दिखाई थी, मजाले कोई लड़की उसे पसंद आ जाए, बस आयशा उसको अल्लाह का शुक्र है कि पसंद आ गई। हमारी आयशा है ही बहुत प्यारी, माशाल्लाह से बहुत सुघर, सलीका मन, सलीका शाद। वो मैं कह रही थी कि मंगनी, वो भी इतनी जल्दी, थोड़ा सा मेरा बस चलता है ना, तो मैं डायरेक्ट आपसे शादी करने का कहती। लेकिन आई अंडरस्टैंड, आप लड़की वाले हैं, आपको तैयारी के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा, इसलिए सिर्फ अभी मंगनी का ही कहा है मैंने। अरे भाभी, हम कर देते हैं ना मंगनी, इससे रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा, और फिर साल डेढ़ साल में शादी कर देंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। आशा कह रहे थे कि आयशा को किसी अच्छे पार्लर से तैयार करवाइएगा, अगर आप कहें तो हम किसी अच्छे पार्लर में बुकिंग करवा देते हैं। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग सब कुछ आपके स्टेटस के हिसाब से ही करेंगे, बेफिक्र रहिए। शुक्रिया बहुत बहुत, मैं भी यही चाहती हूँ। आप तो जानती हैं ना, खानदान वालों को छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने की आदत होती है, और मंगनी में तो हमारे फैमिलीज के लोग होंगे, और मैं नहीं चाहती किसी को भी कुछ भी बात करने का मौका मिले। जी नहीं नहीं, आप बेफिक्र हो जाइए। और भाभी ये देखिए कितना खूबसूरत है। अच्छा, ये सारी चीजें आप आयशा को दिखा के पसंद करवा लें, उसे कोई भी चीज एक्सचेंज करनी होगी तो वो मैं करवा दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ठीक है, नाजिया ये चीजें हटा के आगे चाहिए। हाँ जी भाभी, सबका। यास्मीन, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, आयशा का इतनी अच्छी जगह रिश्ता हो गया, और बहुत जल्द मंगनी भी हो जाएगी। नायला, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। हमारी आयशा के लिए अच्छा रिश्ता क्यों नहीं आता? हमारी आयशा है ये इतनी अच्छी बच्ची। तुम्हें नहीं पता आयशा के रिश्ते के लिए कितने मसले हो रहे थे, मैं बहुत खुश हूँ। वो तो तुम्हारी आवाज से झलक रहा है कि तुम कितनी खुश हो।
अच्छा मुझे ये बताओ, मंगनी की तैयारियां कर ली? अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई काम है तो मुझे बताना। अरे नहीं भाई, सब तैयारियां हो गई हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इतना कह दिया। एहतिशाम है, आसिफ और एहतिशाम मिलकर सब संभाल लेंगे। बस तुम सबने आना है मंगनी पे। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। अल्लाह हमारी बेटी के नसीब अच्छे करे। चलो मैं इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लैला, मुझे लगता है कि आज रात सोते में भी तुम हंसती रहोगी। ऐसा ना हो भाई, मैं डर जाऊं। क्यों ना मुस्कुराओ, इतनी बड़ी खुशी की खबर है। मैंने खानदान में आशा के रिश्ते के बारे में बताया ना, तो सब हैरान हो रहे थे कि इतना अच्छा रिश्ता कहां से मिल गया। अल्लाह का शुक्र। बस अल्लाह सब खैर खैरियत से कर दे। चलो मैं आती हूँ। ये देखें क्या जबरदस्त सामान आया है। ओ फंदा, मैं तो देखकर पागल हो गई। सब कुछ बहुत ही प्यारा है। हाय, काश मेरा भी ससुराल होता, मेरे लिए भी इतनी प्यारी प्यारी चीजें आती। आपको पता है एक एक चीज ब्रांडेड भेजी उन्होंने, कोई कमी नहीं छोड़ी। आराम से लाखों का सामान हो गई। क्या हुआ आपकी, आप क्यों इतनी परेशान लगती है? समझ नहीं आ रहा सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है, इतनी जल्दी मांग रही। बैठे अभी, आपको तो खुश होना चाहिए। इतनी अच्छी जगह आपका रिश्ता तय हुआ है। और आपने आशा भाई को देखा है, कितने हैंडसम हैं, पूरे हीरो लगते हैं। अब जाएं जाके ट्राई कर लें सूट। पता है आपकी सास कह के गई थी कि आयशा से कहना ट्राई कर लें, अगर नहीं पसंद आता या फिटिंग नहीं सही है तो हम चेंज भी करा लेंगे। तो मुझे नहीं पहनना। वैसे भी तुम्हें पता है मुझे कोई इशू नहीं होता, कोई भी कलर हो, जैसा भी ड्रेस हो, फिटिंग्स का तो वैसे ही नहीं इशू मुझे। आपको तो कभी किसी चीज से कोई इशू ही नहीं होता अभी, लेकिन आपके ससुराल वाले ना हर चीज में बड़े कॉन्शियस हैं। बता रहे थे कि अशर को हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होती है, नोक पलक से दुरुस्त। और आपको पता है ये सारी चीजें ना अशर भाई खुद गए थे लेने के लिए। उन्होंने खुद की आपकी शादी की शॉपिंग। इमेजिन कोई लड़का करता है आजकल? बहुत अच्छा सामान है, वैसे चॉइस तो बहुत अच्छी है अशर भाई। वो तो मुझे दिख ही रहा है। क्या हो गया अभी, आप क्यों इतनी टेंशन में? परेशानी सी हो रही है मुझे। किस बात की परेशानी हो रही है अभी? जो इंसान इतनी छोटी-छोटी चीजों को लेकर इतना कॉन्शियस है, वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर कैसे साबित हो सकता है? मतलब चीजों से ज्यादा तो इंसान की वैल्यू होती है ना, उसके जज्बात की वैल्यू, उसकी फीलिंग्स की वैल्यू होती है ना। आप तो पागल है, लड़कियां मरती हैं ऐसे रिश्तों पे, और आपके पास खुद चल कर आए और आप पता नहीं क्या क्या सोचते। अब उठे भाई, जाए पहन कर आए, मुझे दिखाएं, मैं भी तो देखूं ये सूट आप पे कैसा लग रहा है। I'll be the judge of that। जाए। जल्दी आना। कितना प्यारा। खुद ही देखो जवेरिया, एक बंदा जो चीजों के मामले में इतना कॉन्शियस है,
वो अच्छा लाइफ पार्टनर कैसे हो सकता है? या अल्लाह, मेरे हक में बेहतर करना, मैं तुझसे राजी हूं मेरे मौला। अमल, मोहल्ले के बच्चों ने ना क्रिकेट टीम बनाई है नई, मैं तो विकेट कीपर हूँ, तुम्हारा नाम डलवा दूँ उसमें। तभी मेरी विकेट गिर गई। आप ही कहती हैं तुम अमल में इंटरेस्टेड हो? सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं हूँ चाचू, मोहब्बत करता हूँ उससे, और अगर ना मिली ना मुझे तो आपकी तरह जॉब ले लूंगा। जी जी दायमी। बेटे आज शाम को आयशा की मंगनी है, हम सबको चलना है, अच्छे से तैयार हो जाना। मैं भी चलूंगी दायमी। ना बेटे, तुम भी चलोगी, नायला ने स्पेशल कहा था कि अनुषे को तो जरूर लाना है, अच्छी से तैयार हो जाना और अच्छा सा जोड़ा पहनो, अच्छा सा मेकअप करना है, ठीक है? और वक्त की खास पाबंदी रखनी है। शाबाश। ये क्या मुसीबत अब नहीं, भाई अम्मी की चहेती की मंगनी में मैं क्यों जाऊं? मामा, अच्छा कल का फंक्शन है, मैं देखूंगी अगर मैं आ सकती हूँ, बस आजकल मसरूफियत बहुत ज्यादा है। मामा, अच्छा ठीक है ठीक है, चले आपसे बात करती हूँ मैं, खुदा हाफिज। मामा मुझे समझ नहीं आ रहा कि ताई अम्मी को हो क्या गया है, खुद तो उन्होंने मिडिल क्लास लोगों से दोस्तियां पाली हुई है और मुझे भी कह रही है मैं उनके साथ चलूं। नहीं मामा, मामा मैं तयमी के साथ नहीं जाऊंगी, प्लीज। बेटा थोड़ी देर की तो बात है, चली जाओ। नो वे, आपने देखा नहीं कितना अजीब मोहल्ला है, मुझे एलर्जी है वहाँ पे, कितना कीचड़ होता है, धूल मिट्टी। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, प्लीज मामा आप अभी जाएं, अब जाएं, तयमी को मना करें, मैं नहीं जाऊंगी। मैं उन्हें मना नहीं कर सकती, वो बुरा मान जाएंगी, वो चाहती थी कि मैं भी उनके साथ जाऊं, बड़ी मुश्किल से मैंने टाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा तायमी को जरूरत ही क्या है मुझे वहां पर लेकर जाने की, अगर उन्हें इतना शौक हो रहा है तो वो खुद जाए ना, मैं और आप उस आयशा की मंगनी में जाकर क्या करेंगी? और आप तो जानती है ना, वो लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा तुम्हें जो पसंद नहीं है वो तुम्हारी होने वाले सास को पसंद है, उन्हें साफ इनकार करना ठीक नहीं होगा, ये बात समझने की कोशिश करो, तुम उनकी होने वाली बहू हो, जाहिर सी बात है जो रिश्ते वो निभाना चाह रही हैं वो चाहती हैं तुम भी निभाओ। तो आप क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं मैं वहां जाऊं, मगर मैं आपको बता रही हूं मैं वहां नहीं जाऊंगी, मुझे घबराहट हो रही है सोचकर भी, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा बाबा ना जाओ, लेकिन अभी उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ऐन वक्त पे कोई बहाना कर देना। यस। अभी कुछ मत कहना। अच्छा ना, थैंक यू मामा, अब बहुत अच्छी है। चलो आए मैं आपको चाय पी। जी सर, मिस आयशा को मेरे रूम में भेजिएगा। सर वो तो आज ऑफिस नहीं आई। नहीं आई, क्यों? सर आज उनकी एंगेजमेंट है। Thank you.
ना जाए कोई, जरूरत भी नहीं है किसी को जाने की। ऐसा करती हूँ, मैं भी नहीं जाती। गुस्सा क्यों कर रही? गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? सानिया ने भी जाने से मना कर दिया और आप भी जाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि उन लोगों से आपको कोई काम नहीं पड़ने वाला। शकील साहब, हम इखलाकी तौर पर इतने छोटे हो चुके हैं कि हम दावत भी उन्हीं की कबूल करते हैं जिनसे हमें कोई काम होता है। बस कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है यास्मीन, तुम गलत समझ रही है। मेरी एक बहुत अहम मीटिंग है, मुझे अटेंड करनी है, वरना मैं तुम्हारे साथ जाता। नायला ने कितनी मोहब्बत से दावत दी थी, कहा था कि यास्मीन पूरी फैमिली को लेकर आना, क्या सोचेगी वो हमारे बारे में? तुम उसे बता देना। क्या बातें हो रही हैं? आ बेटा, अश्वथ के साथ तेरी जाओ ना तुम। पापा मैं? हाँ बेटा, तुम चले जाओ ना अपनी माँ के साथ। अनुषे कहाँ है बेटा, हो गई तैयार? मामा वो चची बता रही थी कि अनुषे की तबीयत ठीक नहीं है तो वो नहीं आ सकेगी। सुबह तक तो ये लड़की बिल्कुल ठीक थी। एक तो मुझे इस लड़की की समझ नहीं आती है, अपनी मर्जी से पूरी दुनिया घूमे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा था कि आयशा की मंगनी पर मेरे साथ चलना, बीमारी का बहाना बना लिया। कल को अनुषे को इस घर की बहू बनना है, सारे रिश्ते नाते उसी को निभाने हैं। लेकिन शकील साहब, मुझे लगता है मेरे मरने के बाद ये बच्चे ना किसी से रिश्ता रखेंगे ना नाता, बस यहां तो दोस्तियां निभाई जाती हैं। अश्वथ बेटा, तुम चले जाओ ना अपनी माँ के साथ। अगर मेरी जरूरी मीटिंग ना होती तो मैं चला जाता। कितनी गलत बात है कि उसके साथ कोई भी नहीं जा रहा। ठीक है बाबा, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे अपनी माँ के गुस्से से बचा लिया। जवेरिया, स्कार्फ तो सही से कवर करो नीचे। अगर स्कार्फ से बाल नहीं छुपा सकती तो फिर क्या फायदा स्कार्फ पहनने का? आप ही आजकल इतने स्टाइलिश स्कार्फ चल रहे हैं ना, मैंने कहा भी था दो चार लटे निकाल लें, लेकिन नहीं, आपको तो चारों तरफ से कवर करना है। अब बैठी रहे। जिस चीज का जो मकसद है ना, अगर वो पूरा ना तो कोई फायदा नहीं उसको पहनने का। वाओ आपी, यू लुक सो प्रीटी, जस्ट लाइक अ लिटिल प्रिंसेस। यू आल्सो लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस। आप दोनों कभी मेरी भी तारीफ कर दिया करें, मैं चुड़ैल हूँ। आपी, आज मैं तो अपने आप को ही चुड़ैल कह दिया और मैं तो कहा भी नहीं। लोग जल रहे हैं हम दोनों से, नहीं? चलो जाओ यहाँ से, मेकअप खराब हो जाएगा आपी का। कोई बात नहीं, मेरा बच्चा इधर आके बैठो, कोई मेकअप वेकअप खराब नहीं होता। तो प्यार से मेरा बच्चा मेरे पास आया, पर जिंदगी में प्यार से खूबसूरत कोई चीज हो सकती है? मानूर, जाती हूँ यहाँ से, अम्मी को बुलाओ। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं। क्यों बुलावा नाराज किया मेरी बच्ची को? मजा आता है ना। अच्छा अपना सीधी बैठी रहे, अब हेलीना मैं पिन चुबा दूंगी आपको। 10 दफा तो चुबा चुकी हूँ। और ये क्या तुम्हारे स्टाइलिश कॉन्सेप्ट है ये तुम्हारे स्कार्फ पहनाने का? मेरी गर्दन तक नहीं मुड़ रही है। बस हो गया, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है आप। अशर भाई की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी आपको देख कर। अच्छा मुझे देखे मैं कैसी लग रही हूँ? तो हमेशा प्यार लगता है। और ये चूड़ियां अब्बू जी ने लाके दी हैं कल रात। लैला, अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारी बेटी की बात पक्की हो रही। जी, मुझे भी बहुत सुकून मिल रहा है और बहुत खुशी। अल्लाह ने हमारी आयशा के लिए बड़ा अच्छा जोड़ बनाया है।
यास्मीन मैम को बुलाया है? जी जी, मैंने उनको भी इनवाइट किया है, बस आने वाली है। आपको तो पता है हमारी आयशा के साथ वो कितनी मोहब्बत करती है, बस आने वाली होगी। मिसेस से बात। आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। अल्लाह मियां तुम्हें नजरे बद से बचाए। आओ ना बैठो। बैठो बेटा। मुझे मामा नजर नहीं आ रही, आपने देखा है उन्हें? जी बेटा, वो यास्मीन बाजी ना नायला भाभी के साथ वो उस तरफ मेकअप रूम में है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। आप प्लीज देख लो। बेलिया कहाँ चली गई है? मैंने कहा भी था मुझे अकेला छोड़ के मत जा, लेकिन फिर भी ना। कहाँ चली गई मां? आप यहाँ? अब वो मैं अभी आ जाए। अम्मी बुला। आप यहाँ? वो मामा को तलाश कर रहा था। तो आपकी अम्मी यहाँ थोड़ी है, वो तो बाहर बैठी है ना यास्मीन आंटी। ओके, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू। ठीक है। कहाँ चली गई थी तुम मुझे अकेला छोड़ के? बाहर मेहमानों से मिलने गई थी मैं। आपको पता है आपके ससुराल वाले आ गए। अम्मी कह रही है आयशा को लेकर आओ, रस्में शुरू करनी है, आ जाएं चलें। कि आपके हाथ क्यों ठंडे हो रहे हैं आपके? क्या हुआ? वो शायद घबराहट हो रही होगी ना, आ गया ना सपनों। आप ठीक तो है ना? सुन ले सदा।